रात के अंधेरे में मेरे शौहर से पैसे बटोरने का मंजर अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है। जल्दी करो राबिया, देर हो रही है बच्चियों को। राबिया जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। क्या कहा तुमने? कि आप जितना साहब जी के सामने उस राबिया के खिलाफ बात करेंगे ना, उतना ही साहब जी को खुद से दूर करती जाएंगी। मैं तुम्हें इस घर से निकाल नहीं सकती, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम इस घर में महारानी बनकर रहोगी। और अब खड़ी हो, बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना, और ये आराम। आज के बाद से घर के सारे काम तुम करोगी। ये वाला ये अच्छा लगेगा। इसके साथ सेट कौन सा पहनूं? वो नया वाला पहनती हूँ जो बख्तार ने बनवा के दिया। बीबी जी, हो ना हो ये उसी की वजह से हो रहा है। वही साहब की चहेती, उसके घर में आते ही ना चोरियां शुरू हो गई हमारे घर में। और ना आप बताएं बीबी जी, हमारे घर में हुआ आज तक ऐसा? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा लग रहा है ना? वो देखो, सबने टोपी पहनी हुई है। कैसे पहनी? अच्छा लग रहा है ना? बता कहाँ है मेरा जेवर? बोल, जवाब दे, कहाँ है मेरा जेवर? कौन सा जेवर भाभी? वही जेवर जो तूने चुराया है। नहीं भाभी, मैंने तो कोई जेवर नहीं चुराया। खबर तौर से मुझे भाभी अम्मी बताओ कहाँ है मेरा जेवर? सब सब बता दे, मैं तेरे को हाथ से देकर यहाँ से निकालूंगी। साफ साफ बता दे कहाँ है मेरा जेवर, वरना वो हाल करूंगी, सारी जिंदगी याद रखेगी। बोल कहाँ है मेरा जेवर, बोल जवाब दे। मैं सच कह रही हूँ भाभी, मैंने कोई जेवर नहीं चुराया। आप क्या कर रही हैं? झूठी कहीं की? बेबी जी ये ऐसे नहीं मानेंगे, मैं तो कह रही हूँ पुलिस को बुलाएं। नहीं 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 भाभी, मैंने कोई जेवर नहीं चुराया। आप क्या कर रही हैं सबके सामने? नहीं कह रही भाभी, रहम करे मुझ पे। इसी ने लिया मेरा। नहीं भाभी, मैं तो सारा दिन। सारा दिन? क्या सारा दिन? और मैंने खुद देखा है बीबी जी अपनी आँखों से तुझे बीबी जी के कमरे में जाते हुए। ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है भाभी। मैं सच कह रही हूँ, ये गलत कह रही है आपसे। मैं झूठ बोल रही हूँ? बीबी जी इसके कमरे की तलाशी लें, मिल जाएगा इसके पास से जेवर, फिर करेंगे इसे पुलिस के हवाले। सही, ऐसा कुछ नहीं। चल बिल्किस इसके कमरे में चलते हैं, तलाशी लेते हैं इसके कमरे की। चल आ जा, चल यहाँ से, चल चल यहाँ से, चल चल यहाँ से। जवाब दे, कहाँ है मेरा जेवर? भाभी मुझे नहीं पता कौन सा जेवर, मैंने कुछ चोरी नहीं किया है। आप
यकीन करें। तभी बताएंगे। बोल। सलीमा, क्या हो रहा है ये सब? बख्तियार, बख्तियार इसने चोरी की है, मेरा सारा जेवर गायब है, मुझे इससे कहाँ है मेरा जेवर? नहीं नहीं बख्तियार भाई, मैं ताबिंदा के सर पे कसम खाती हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता ये कौन से जेवर की बात कर रही है। नहीं साहब जी, चोरी तो इसी ने की है। आप रुके, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, रुक जाए। ये देखें साहब जी, जेवर के डब्बे इनके सामान में रखे हुए थे जी। तुम्हें कैसे पता कि ये जेवर के डब्बे यहाँ रखे? वो तो आप सोचे ना कि चोर चोरी करेगा तो जाहिर है अपने सामान में रखेगा ना। लेकिन जेवर कहाँ है? साहब जी मुझे क्या पता, पूछे पूछे इससे, चोरी इसने की है। बख्तियार आप इससे क्या पूछ रहे? इससे पूछ रहे जो खड़ी है चोर। ठीक है, राबिया ने अपने कमरे की तलाशी दे दी, अब बिल्किस भी अपने कमरे की तलाशी दे। जी साहब जी, मेरे कमरे की तलाशी? बीबी जी देखे, बख्तियार आप बिल्किस पर शक कर रहे हैं? हाँ, जैसे तुमने राबिया पे शक किया उसी तरह मैं बिल्किस के कमरे की भी तलाशी लेना चाहता हूँ। चलो बिल्किस, चलो। जी साहब जी। मिल नहीं रहे थे। मिल गए, अब जेवर भी मिलेगा। तुम्हारा ही जेवर है ना? तो ये थी तुम्हारी मासी, जिस पर तुम्हें बहुत मान था। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं।
बिंदा अभी तैयार होकर नहीं आई, देर ना हो जाए उसका, आज तो रिजल्ट है। तुम ना मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत किया करो, अपनी औकात में रहो, समझ आ रही है तुम्हें? और नहीं जाना मुझे कॉलेज, खबरदार अगर ये बात तुमने अब्बा को बताई तो। मुबारक हो बेटा, इसमें तुम्हारा एडमिशन लेटर है, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, बहुत ही अच्छा और बड़ा कॉलेज है। राबिया को खर्चा देना था, लेकिन अब तो शायद फैक्ट्री चली गई होगी। हाँ वो तो फैक्ट्री चली गई होगी, आप मुझे दे दें, मैं उसे दे दूंगी। मना किया है, इतना ज्यादा तैयार मत हुआ करो बेटे, नजर लग जाएगी, जमाना भी इतना खराब है, आए दिन टीवी पे अजीबोगरीब खबरें आती रहती हैं। अम्मी हमेशा आपको मेरे नजर लगने की फिक्र या जमाने का डर होता है, और किया क्या है मैंने, मुंह धोया और बाल बनाए ना, आप कहें तो बाल बनाना भी छोड़ दो। नहीं बेटे, अच्छा ठहरो। क्या कह रही है? कुछ भी नहीं बेटे, आपने कर लिया जो करना था, मैं जाऊं, मुझे देर हो रही है। जाओ शाबाश, और पैसे हैं तुम्हारे पास? अभी है अम्मी, खत्म हो जाएंगे तो आपसे मांग लूंगी, अभी जाके उस नवीन को उठाना है, अल्लाह करे वो तैयार हुई हुई हो, ना आज मुझे दोबारा बस में जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ अगर बस में जाना पड़ेगा बेटे? अम्मी आप मुझे सुकून से गाड़ी में जाता नहीं देख सकती, मर के चार दिन तो ये लड़की कॉलेज जाती है, इसके बहाने मैं भी गाड़ी में चली जाती हूँ, अगर वो भी इससे जाना छोड़ दिया तो बसों के धक्के खाती रहूंगी, बहुत बुरा लगता है मुझे अम्मी बस में खड़े होकर सफर करना, लोग अजीब और गरीब नजरों से देखते हैं। बेटे शुक्र अदा करोगे, खुदा ने जो कुछ भी दिया है, ये सब भी नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते? ऐसा भी कुछ खास नहीं मिला हमें अम्मी, इससे तो बेहतर था कि ये जो सब मिला है ना ये भी ना मिलता। कैसी बातें कर रही हो, अच्छा चलो तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ। नवीन नवीन दरवाजा खोलो यार, देखो देर हो रही है और आज रिजल्ट भी आना है। नवीन 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 दरवाजा खोलो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, इस तरह जोर से कोई दरवाजा पीटता है, अब्बा देख लेते तो। I'm sorry। क्या सॉरी? तुम ना मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत किया करो, अपनी औकात में रहो, समझ आ रही है तुम्हें? और नहीं जाना मुझे कॉलेज, खबरदार अगर ये बात तुमने अब्बा को बताई तो। सुबह सुबह रोज उठकर मेरा दरवाजा मत पीटा करो, जब मुझे कॉलेज जाना होगा मैं खुद आ जाऊंगी, जो गाड़ी के चक्कर में मेरे इर्द गिर्द मत घूमा करो, सब जानती हूं मैं। देखो नवीन
मुझे तुम्हारी गाड़ी में जाने का वैसे भी कोई शौक नहीं है, मुझे बख्तियार अंकल ने कहा था, और रोज मैं बस में ही जाती हूँ जब तुम कॉलेज नहीं जाती। तो क्या मतलब है तुम्हारा, तुम ही कॉलेज जाती हो, मैं कॉलेज नहीं जाती? तुम ना शायद अपनी औकात भूल रही हो। शुक्र मनाओ मेरे अब्बा का कि वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर में लेकर आ गए, वरना रोड पर दर बदर की जिंदगी गुजर रही होती तुम दोनों की। जब ठोकर खाती ना फिर पता चलता तुम दोनों। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना ना तो तुम मत जाओ, लेकिन मुझे इस तरह बातें मत सुनाओ। तुम मुफ्त में नहीं रह रहे तुम्हारे घर में, तुम लोगों के झूठे बर्तन साफ करते हैं हम, कपड़े धोते हैं तुम्हारे, इस घर की सफाई करते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि बचपन से लेके अब तक तुम हर क्लास में नकल करती आई हो। याद है ना तुम्हें, मैं नहीं होती ना तुम्हारे साथ अभी तक क्लास 2 में बैठी होती तुम। बैठ के किसी दिन हिसाब लगाना, सब पता लग जाएगा कि कोई एहसान नहीं कर रहे तुम लोग हम पर। एहसान तो नहीं कर रहे। मुबारक हो बेटा, इसमें तुम्हारा एडमिशन लेटर है, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, बहुत ही अच्छा और बड़ा कॉलेज है, खूब दिल लगा के पढ़ना। बख्तियार भाई आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये कॉलेज तो बहुत दूर है, और अगर कोई नजदीक का हो जाता तो बेहतर था। क्यों भाई, हमारी ताबिंदा जितनी लायक है कॉलेज उसके मुताबिक ही होना चाहिए, और फिर दूर है तो क्या हुआ, गाड़ी में जाएगी गाड़ी में आएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सलीमा। आज क्या तारीख है? 2 या 3 होगी। क्यों? राबिया को खर्चा देना था, लेकिन अब तो शायद फैक्ट्री चली गई होगी। हाँ वो तो फैक्ट्री चली गई होगी, आप मुझे दे दें, मैं उसे दे दूंगी। आपको आज भी मुझ पर भरोसा नहीं है।
इतने साल उस औरत को आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कबूल किया, दोबारा कोई बात नहीं की, लेकिन आपको आज भी मेरी अच्छाई नजर ही नहीं आती। ऐसी कोई बात नहीं है, ये लो। और उसे कह देना फीस मैंने जमा करवा दी। आपने क्यों जमा करवा दी? मेरा मतलब है आप मुझे दे देते, मैं जमा करवा देती, या फिर राबिया खुद जमा करवा देती। यार कितने मसरूफ रहते हैं आप, हमारे लिए भी वक्त नहीं होता आपके पास। मुझे खुद नहीं जाना होता, अकाउंट्स वाले जाके करवा देते। अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। ऐसे याद से दे देना। खुदा हाफिज। मेरा बस चले ना, तो आज तक इस राधे और उसके बेटे ने जितने निवाले खाए हाथ डालकर हलक से निकाल दो। किस किस बात से तुम इनकार करोगी राबिया? ये तो बख्तियार है जिनकी वजह से मैंने तुम्हें बर्दाश्त कर रखा है। मैं तुम्हारा वो हाल करती मैं कि सारी दुनिया देखती। अभी आपके लाडले के प्रोफेसर से मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा, क्या बना? अरे बनना क्या था, चार सब्जेक्ट में वैसे ही फारिग। तुम्हारी शराफत और ईमानदारी की वजह से मैंने तुम्हें रखा है और सब बर्दाश्त कर रही। वैसे तो मासियां और भी हैं, कोई भी ला सकती है काम करने के। मामा ने ऐसी बात कर दी है, कैसे सोच सकता हूँ।